हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप पोहा लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लिया है, धनिया की पत्ती इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, 2 बड़े स्पून चावल का आटा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पोहे को डाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हमको इतना ही पानी ऐड करना है जो कि पोहा पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और इसको रैक पे 2 मिनट के लिए हम रख देंगे। देखिए दोस्तों, पोहा जो है पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम हाथ की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि हमको थोड़ा दरदरा ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई है, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, मीडियम साइज प्याज जो बारीक चॉप कर लिया था उसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब दोनों हाथ की हेल्प से हम इसे राउंड शेप देंगे, उसके बाद उंगली की हेल्प से अंदर होल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा बन के तैयार है। जैसे टिक्की बनाते हैं उसी तरीके से बना के बस उंगली से हमें होल कर देंगे और इसी तरीके से बना लेंगे। एक साइड मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया था, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। मैंने रिफाइन ऑयल लिया, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक एक करके डाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमको फुल फ्लेम नहीं करना है, हमको मीडियम टू लो पे ही पकाना है। देखिए दोस्तों, एक साइड से फ्राई हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड का भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम फ्लेम को फुल कर लेंगे और फुल फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो पोहा है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। दोस्तों, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए अब इसके ऊपर हम चाट मसाला डाल देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना क्रिस्पी हमारा ये पोहे का डिज़र्ट बनके रेडी हुआ है। आप सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना क्रिस्पी है, अंदर से स्मूथी है। अगर मेरी बताई हुई रेसिपी आप सबको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।